इसहाक का जीवन रिबका की एक समस्या थी। वह 20 साल से भी ज्यादा समय से बांझ थी। देखिए 25:21 और 25:26 में, स्वयं परमेश्वर द्वारा चुनी हुई पत्नी मिलने के बाद भी आपको मुश्किलें हो सकती हैं। हाँ, वे आपकी आत्मिक शिक्षा का हिस्सा हो सकती है। इसलिए अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जाता है तो वहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याएं ये नहीं दर्शाती कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल गए हैं। नहीं, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कहना है। इसहाक ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी मुश्किल को दूर कर दिया। उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। रिबका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। याकूब एसाव की एड़ी को दबोचे हुए पैदा हुआ। 25:26 याकूब की दबोचने वाली मनोवृत्ति उसके गर्भ में रहने के समय से ही शुरू हो गई थी। वह आगे निकल जाने के लिए दौड़ा लेकिन नहीं निकल पाया। एसाव पहले आया, इसलिए उसने उसकी एड़ी पकड़ ली। ये याकूब था। ये वो मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने इसराइल देश का प्रधान होने के लिए चुना। परमेश्वर ने एक कमजोर व्यक्ति को अपना सेवक होने के लिए चुना। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दिलचस्पी सिर्फ उसका अपना स्वार्थ पूरा करने में ही थी और जो पृथ्वी की वस्तुओं को पकड़ना चाहता था। उन्होंने उसका नाम याकूब अर्थात चालाकी से हतिया लेने वाला रखा। हमारे जैसे गिरे हुए पापियों के लिए ये कितना उत्साहवर्धक है। हमारा प्रभु धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया। इसहाक अपने पिता अब्राहम की तरह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। इसहाक के घर में भेदभाव था। इसहाक एसाव के पक्ष में था और रिबका याकूब के पक्ष में थी। ऐसी मनोवृत्तियां से ही घर टूटते हैं। उनके माता पिता के पक्षपात की वजह से एसाव और याकूब उनके जीवन भर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। पिता ने एक पुत्र का पक्ष लिया और माता ने दूसरे पुत्र का पक्ष लिया। इसलिए दोनों लड़के एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले हो गए। और इसमें कोई शक नहीं कि इस वजह से इसहाक और रिबका में भी विभाजन हो गया होगा। जब उन्होंने परमेश्वर द्वारा चुने गए एक जोड़े के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, तब उनका विवाह कितना सुंदर था और वे दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। लेकिन अपने बच्चों के बीच भेदभाव रखने की वजह से उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसमें सबसे अफसोस की बात इस भेदभाव की वजह है जो इसहाक के मामले में उसका खाने से प्रेम था। उसे हिरण का वो मांस बहुत पसंद था जो एसाव शिकार करके लाता रहता था। याकूब अच्छा शिकारी नहीं था, इसलिए इसहाक उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता था। इसहाक द्वारा याकूब को दी गई आशीष का कारण भी उसका हिरण के मांस का प्रेम था, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें पैदा हुई। इसहाक जैसा पेटू व्यक्ति अपने घर में एक ऐसा अच्छा पिता नहीं हो सकता जैसा अब्राहम था। ईश्वरीय पिताओं के ऐसे पुत्र हो सकते हैं जो मूर्खता पूर्ण काम करते हैं। अध्याय 26:7 में इसहाक के एक और मूर्खता भरे काम को देखते हैं। लेकिन यहाँ वो अपने पिता के झूठ के पद चिन्हों पर चला था। जब इसहाक गरार नगर में था, तब लोगों ने उससे उसकी सुंदर पत्नी रिबका के विषय में पूछा। उसने उनसे कह दिया कि वो मेरी बहन है। ये वही झूठ था
जो उसके पिता ने दो बार उसकी माता सारा के विषय में कहा था, अध्याय 12 और अध्याय 20 में। लेकिन इसहाक ने अपने पिता की गलती से कुछ नहीं सीखा था। ये जरूरी नहीं है कि जो गलतियां हमारे माता पिता ने की हैं, वे हम भी करें। एक समझदार व्यक्ति दूसरों के गलतियों से सीखता है कि वह स्वयं उन्हें न दोहराए। लेकिन इसहाक के विषय में ये कहना पड़ेगा कि परिवार से बाहर लोगों से व्यवहार करने के मामले में उसमें उसके पिता के कुछ अच्छे गुण भी थे। हम 26:18 में ये पढ़ते हैं कि इसहाक ने वे कुएं दोबारा खुदवाए जो पहले उसके पिता ने खोदे थे और जिन्हें पलिशितियों ने ईर्ष्यावश बंद कर दिए थे। वे कुएं अब्राम के थे क्योंकि वे उसने खुदवाए थे और अब वे इसहाक के थे। लेकिन गरार के चरवाहों ने इसहाक के सेवकों के साथ झगड़ा किया और कहा, ये पानी हमारा है। जब इसहाक के सेवकों ने उसे बताया तो उसने वो कुआं छोड़ दिया, जैसे अब्राम ने लूत को वो भूमि दे दी जो उसने चाही। उसने भी यहां अपने पिता की तरह ही किया। फिर इसहाक ने एक और कुआ खुदवाया, पद 21, और गरार वासियों ने उसके लिए भी उससे झगड़ा किया। दूसरी बार भी इसहाक ने कहा, वो भी उन्हें दे दो। फिर उसने वहां से दूर हटकर एक और कुआ खुदवाया। गरार वासी अब लज्जित हुए और उन्होंने उस कुएं के लिए झगड़ा नहीं किया। इसलिए इसहाक ने उसका नाम ये कहते हुए रहोबोत रखा कि अंततः प्रभु ने हमें बहुत स्थान प्रदान किया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। इस वाक्यांश रहोबोत, अंततः प्रभु ने हमें बहुत स्थान प्रदान किया है पर विचार करें। इसहाक ने अपने लिए जोर जबरदस्ती से लोगों को धक्का देकर अपने लिए जगह तैयार नहीं की। नहीं, उसने अपना अधिकार त्याग दिया और प्रभु ने उसके लिए जगह तैयार की और वह फूला फला। यरूशलेम का निर्माण करने का यही सही तरीका है। ये धारा अब्राहम से शुरू हुई, अपने अधिकार को त्याग देना, इसहाक में से आगे बढ़ी और दशकों बाद इसहाक के पोते यूसुफ में से प्रवाहित हुई। हमें इस सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए। मैं पृथ्वी की चीजों के लिए झगड़ा नहीं करूंगा और उनके पीछे नहीं भागूंगा। ये संसार और सांसारिक मसीह जो चाहे ले ले, जो बचेगा मैं वही ले लूंगा और उस बचे हुए में से प्रभु मेरे लिए जगह बना देगा और मैं उस जगह में फलूंगा फूलूंगा, जो सदोम और अमोरा और उसकी धन संपत्ति को दबोचने जाते हैं खाली हो जाते हैं। कलीसिया, यरूशलेम का तरीका अपने पार्थिव अधिकार छोड़ देने का तरीका है, वही जो यीशु हमारे प्रभु का तरीका था। उसका राज्य इस संसार का नहीं था, हमारा भी नहीं है, लेकिन बेबीलोन का तरीका पकड़ने का ही तरीका है। याकूब ने अपना जीवन पकड़ने वाले के रूप में शुरू किया था और उसके इसराइल बनने से पहले उसका परिवर्तन होना जरूरी था कि उसे यरूशलेम की धारा में शामिल किया जा सके, वरना वो बेबीलोन की धारा में ही रहता। उत्पत्ति के पुस्तक में पाए जाने वाले ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए लागू होते हैं। उन विश्वासियों की संख्या को देखें जो मसीह जगत में पद और आदर के लिए संघर्ष करते हैं। एक मसीह अगुआ या प्राचीन होने की सबसे बड़ी योग्यता आपके अंदर
अगुआ न बनने की अभिलाषा होना है, क्योंकि आपको इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि आप एक अगुआ होने के योग्य नहीं है। हमें प्रभु को ये अनुमति देनी चाहिए कि वही हमारे लिए जगह बनाए और फिर हमें अगुआ बनाए, तब हम देश में फलेंगे फूलेंगे। अगर हम अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी फलवंत नहीं होंगे, ये एक निश्चित बात है। अध्याय 26-28 में हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो इसाक का शत्रु था अंत में उसके पास आया और उसने बोला, हमने स्पष्ट देखा है कि यहोवा तेरे साथ है, और उसने इसाक के लिए भोज दिया। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर का जन अपने शत्रुओं के साथ शांति का समझौता करता है। अगर हमारा शत्रु भूखा है तो हमें उसे खाना खिलाना है। ये यरूशलेम धारा का मार्ग है। 26वें अध्याय 34 और 35 में हम पढ़ते हैं, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तो उसने बेरी की हित्ती बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया, और इन बहुओं के कारण इसा व रिबका को दुख हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि इसा अब्राहम की तरह अपने पुत्र के लिए एक साथी ढूंढने के मामले में सचेत नहीं था। उसने एसाव को उसकी पसंद से विवाह करने दिया। इसाक ने एसाव का पक्ष लेने द्वारा उसे बिगाड़ दिया था। इसाक के दिलचस्पी एसाव द्वारा चुनी गई पत्नी से ज्यादा उस खाने में थी जो वो उसके लिए लाता था। आज हमारे लिए पवित्र शास्त्र में इस तरह की कुछ चेतावनियां भी है। इसाक के जीवन के अंतिम दिनों में उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। ये कोई गंभीर बात नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आंखें प्राकृतिक रूप से कमजोर हो जाती है। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये थी कि इसाक की आत्मिक नजर भी कमजोर और धुंधली पड़ गई थी। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारा बाहरी मनुष्य खत्म होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य ज्यादा बलवान और हमारी आत्मिक नजर ज्यादा तेज होनी चाहिए। मगर इसाक के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह जानता था कि जब उसके दोनों बच्चे रिबका के गर्भ में ही थे तब परमेश्वर ने क्या कहा था, बड़ा छोटे का दास होगा। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के वचन का विरोध करते हुए अपनी आशीष बड़े लड़के को देनी चाहिए। क्या आप उसकी गलती देख सकते हैं? उसने 27 दूसरे और तीसरे वचन में एसाव से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, तू अपना धनुष बाण लेकर जा और मेरे लिए शिकार लिया। ये बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक पैर कब्र में है अब भी खाने के विषय में सोच रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने अपनी आत्मिक दृष्टि खो दी थी। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 9:27 में कहा है, अगर मैं अपनी देह को कष्ट देकर वश में नहीं रखूंगा तो दूसरों को प्रचार करने के बाद भी स्वयं अयोग्य ठहरूंगा। यही वजह है कि परमेश्वर का वचन हमें बीच बीच में खाने से दूर हो जाने के लिए कहता है कि हम अपने पेटूपन की लालसाओं और लैंगिक आवेगों को वश में रख सके कि हम अपने पेट की नहीं परमेश्वर की आराधना कर सके।
खाने के प्रेम ने इसहाक को आत्मिक रूप से अंधा बना दिया था। अच्छे खाने के प्रेम ने ही बहुत से प्रचारकों को भी आत्मिक रूप में अंधा कर दिया है। इसहाक मानो ये कह रहा था, एसाव तू जाकर मेरे लिए वही खाना लिया, अगर वह स्वादिष्ट होगा तो मैं तुझे परमेश्वर की आशीष दूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तेरे छोटे बेटे को जन्म का अधिकार देना है, लेकिन मुझे उस बात की परवाह नहीं है जो परमेश्वर ने सालों पहले बोला था। तू मेरे लिए एक अच्छा बेटा बनकर रहा है और मेरे लिए हमेशा खाने की अच्छी चीजें लाता रहा है, तो मुझे यकीन है कि अगर मैं तेरे भाई की जगह, जिसने पूरे जीवन में मुझे कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया, तुझे आशीष दे दूंगा, तो परमेश्वर भी इस बात को समझेगा। यहां इसहाक की मूर्खता की गहराई के विषय में विचार करें। लेकिन परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि इसहाक की वह योजना निष्फल हो जाए। रिबका याकूब की ओर थी और रिबका जानती थी कि परमेश्वर ने यह कहा है कि छोटे को बड़े की आशीष मिलनी है। इसलिए जब उसने ये सुना कि इसहाक एसाव को आशीष देने वाला है, तो उसने एक युक्ति द्वारा परमेश्वर की मदद की कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। उसने याकूब से कहा, एसाव को शिकार लाने में कुछ देर लगेगी, इस बीच मैं तेरे पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना देती हूं, तो अपने ऊपर एक जानवर के खाल ओढ़ लेना और अपने भाई की तरह रोहिंदार होने का अभिनय करना और अपने पिता के पास वो खाना ले जाना। लेकिन क्या परमेश्वर को याकूब के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रिबका की चतुराई भरे युक्तियों की जरूरत थी? रिबका ने वही गलती की जो अब्राहम ने हाजिरा के मामले में की थी। अब्राहम ने यह सोचा होगा, परमेश्वर को मदद की जरूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र ऐसे नहीं आएगा, मुझे पुत्र पाने के लिए हाजिरा के साथ सहवास करना चाहिए। या रिबका ने भी कुछ इसी तरह की बात की, अब शायद परमेश्वर को कुछ मदद की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे एसाव को आशीष मिल जाएगी, मुझे याकूब की मदद करनी चाहिए कि आशीष पर उसकी ही पकड़ हो सके। मैं आपको इस बात में भरोसा देना चाहता हूं कि उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत नहीं होती है। यकीनन वह ऐसा हरगिज नहीं चाहता कि उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम चालाकी करें और झूठ बोले। बहुत से मसीह ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी बात का परिणाम अच्छा है तो उस परिणाम तक पहुंचने के तरीके भी अच्छे माने जा सकते हैं। अगर हमारा अंतिम लक्ष्य अच्छा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वहां कैसे पहुंचे हैं। लक्ष्य आत्मिक होना चाहिए और वहां तक पहुंचने के तरीके भी आत्मिक होने चाहिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि याकूब को पहलौठे का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसे पाने का तरीका भी आत्मिक होना चाहिए।
इसी तरह अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाना है, तो उसे सुनाने का तरीका भी आत्मिक होना चाहिए। हमें सुसमाचार प्रचार या कलीसिया स्थापन का काम चालाकी या धोखे से नहीं करना चाहिए। ऐसे ईश्वरीय लक्ष्य ईश्वरीय तरीकों से ही पूरे किए जाने चाहिए, और अगर एक ईश्वरीय तरीके से काम करने का चुनाव करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उतना हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितना कि दूसरे लोग ईश्वर विहीन तरीकों से हासिल कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए हम आत्मिक सिद्धांतों में समझौता नहीं कर सकते। लकड़ी, घास फूस और भूसे का एक विशाल भवन बनाने से अच्छा यही है कि हम अपने पूरे जीवन भर सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थरों का सिर्फ एक छोटा सा ढांचा ही बनाए, क्योंकि वह विशाल भवन उस अंतिम दिन आग में भस्म होने वाला है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप एक ईश्वरीय लक्ष्य को ईश्वरीय तरीकों से पूरा कर रहे हैं? एसाव ने अपने पहलौठे अधिकार को तुच्छ जाना था। 27:34 में लिखा है कि जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने अपनी आशीष खो दी है, तो दुख भरे स्वर में जोर से चिल्लाया। अब उसे वर्षों से पहले अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेचने के फैसले पर पछतावा हुआ। उस समय उसने सोचा होगा कि वह अपने सीधे साधे भाई याकूब से उस समय चालाकी से दाल भी ले लेगा और बाद में पहलौठेपन का अधिकार भी ले लेगा। लेकिन अंत में परमेश्वर ने एसाव की चालाकी खत्म कर दी। परमेश्वर जानता है कि बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में कैसे फंसाना है। 1 कुरिन्थियों 3:19। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि पहलौठेपन का अधिकार याकूब को ही मिले, इसलिए चतुराई से युक्तियां करने वाले सभी सावधान रहे। जो कुछ तुम अभी बो रहे हो, अंत में परमेश्वर द्वारा वही काटोगे। इब्रानियों 12:16-17 कहता है, तुम में से कोई भी दुराचारी और एसाव जैसा न हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच दिया। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने वह आशीष पानी चाही, तो वह अयोग्य गिना गया। जब आप जवान होते हैं, तब आप अपने जीवन में एक फैसला करते हैं। अपनी जवानी में, खास तौर पर नैतिक मामलों में, आप एक दोराहे पर आते हैं। इसी वजह से यहाँ दुराचारी लोगों के विषय में कहा गया है, क्या आप पहलौठेपन का अधिकार चाहते हैं? अनंत आशीषें, आत्मिक आशीषें, या आप सांसारिक आशीषें चाहते हैं? तत्काल मिलने वाली आशीषें, दाल का एक कटोरा जो आपकी शारीरिक जरूरत को पूरा कर देगा, ये चुनाव आज बहुत से युवाओं के सामने है। वह चुनना जो अनंत आत्मिक और भविष्य में है, या वह चुनना जो अस्थाई, भौतिक, शारीरिक और तुरंत उपलब्ध है। हम अक्सर इस दोराहे पर आते रहते हैं। मूसा भी वहां आया था, लेकिन उसने पाप के आनंद, मिस्र की संपत्ति और फिरौन की बेटी का
अपुत्र कहलाने के सम्मान को इनकार कर दिया था। इब्रानियों 11:24-26। इसलिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सका। आप में से बहुत लोग इस समय उस दोराहे पर खड़े हैं। आप ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा समय इन बातों में आनंद मना लूं, बाद में मैं मन फिरा लूंगा और आत्मिक आशीषें भी पालूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ये नहीं कर पाएंगे। एसाव की तरह आप भी वही काटेंगे जो आप बो रहे हैं। अभी सही फैसला करने का समय है, क्योंकि लिखा है, कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित न रह जाए। इब्रानियों 12:15। हम में से कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित न हो और उसका अंत एसाव की तरह न हो। याकूब का जीवन 28 में हम ये पढ़ते हैं कि याकूब कैसे अपने घर से दूर चला जाता है। रिबका ने एसाव के क्रोध से बचाने के लिए उसे अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। याकूब उस समय तक अविवाहित था और उस समय शायद लगभग 70 साल का था। 28:11 कहता है, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हालांकि ये एक भौगोलिक वास्तविकता के विषय में है, लेकिन याकूब के जीवन पर सूर्य वास्तव में अस्त हो गया था और ये उसके लिए आत्मिक रीति से भी कहा जा सकता था। वो संसार के लिए जी रहा था और उसने बेईमानी की थी और सब छीना ही था। फिर भी परमेश्वर अपने दया में याकूब से मिला और उससे कहा कि उसके जीवन के लिए उसके पास एक बड़ा उद्देश्य है। मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने उसे कहा, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। 13:14। इसे अब्राहम की आशीष कहा गया है। गलातियों 3:14। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था तो उसने उससे कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारे घराने तुझ में आशीष पाएंगे। 12:2-3। परमेश्वर ने वही वचन यहां याकूब के लिए दोहराया है। गलातियों 3:14 में हमें बताया गया है कि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तब ये आशीष हमारी हो जाती है। तो पवित्र आत्मा से भरे जाने का उद्देश्य क्या है? निश्चय ही वह अन्य भाषाओं में बोलना नहीं है। परमेश्वर द्वारा उसके बच्चों को दिए गए अनेक वरदानों में से ये सिर्फ एक है। दुर्भाग्यवश बहुत से मसीहों ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। शारीरिक चंगाई भी मुख्य बात नहीं है। पौलुस को उसकी देह में चुभाए गए कांटे से भी कभी चंगाई नहीं मिली। पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि परमेश्वर हमें आशीष दे सके और हम पृथ्वी पर जिस परिवार के भी संपर्क में आए उनके लिए वो हमें एक आशीष बना सके।
जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है तो हम सभी लोगों के लिए एक आशीष होंगे। कोई भी हमसे मिलने के बाद आशीष पाए बिना नहीं रहेगा। ये बात उन स्त्रियों की तरह है जो बहुत से सुगंधित द्रव्य लगाती है। वे जब कुछ दूरी पर होती है आप तब भी उनकी सुगंध पा सकते हैं। वे जहां भी जाती है लोग उनके सुगंधित द्रव्य सूंघ सकते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। अगर हम किसी घर में प्रवेश करेंगे तो हम वहां चाहे 5 मिनट रहे या 5 दिन, हम उस घर को आशीषित करेंगे। ये अब्राहम की आशीष है। जीवन के जल की नदियों की धारा का वो प्रवाह जो सभी जगह के प्यासे लोगों के लिए एक आशीष है। परमेश्वर ने उस रात याकूब से कहा, तेरे लिए मेरी यही बुलाहट है, मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर देता है तो वो हमारे साथ रहता है। पद 15, उसने याकूब से कहा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा और मैं तुझे वापस लाऊंगा और मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उन बातों को पूरा न कर दूं जिनकी मैंने प्रतिज्ञा की है। तब याकूब नींद से जाग उठा और बोला, ये स्थान कितना भयानक है, ये परमेश्वर के घर के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार बेतेल ही है। लेकिन ये देखे कि परमेश्वर की ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी। असल में उसका जवाब ये था, प्रभु मुझे उन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तू इस यात्रा में मुझे संभाले रखना, मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मिलता रहे और रास्ते में तू मुझे दुर्घटनाओं और लुटेरों से बचाना और तू मेरे पिता के घर मुझे सुरक्षित वापस ले आना। मैं बस इतना ही चाहता हूं, मुझे पृथ्वी की सारी जातियों के लिए एक आशीष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तू मुझे ये सारी भौतिक आशीष देगा तो मैं अपनी सारी आय में से तुझे 10वां अंश दूंगा और तेरे लिए घर बनाऊंगा, मेरे काम धंधे को आशीष देना प्रभु, और मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अपने सारे लाभ में से तुझे 10% दूंगा। ये अफसोस की बात है कि आज बहुत से मसीहों का भी यही प्रत्युत्तर होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाए और अब्राहम की आशीष पाए कि फिर वे जहां भी जाए एक आशीष बन जाए। लेकिन ज्यादातर मसीहों की प्रार्थनाएं कैसे होती है, वे ये कहते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे एक अच्छे वेतन वाली आरामदायक नौकरी दे दे, मुझे मेरी बीमारियों से चंगा कर दे, मेरे परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाने में मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को अच्छे धनवान घरों में से सुंदर वर और वधु मिल जाए, हमें सब खतरों से बचाना और हम अपनी आय में से तुझे 10वां अंश देंगे। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है? बहुत से मसीह
परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आशीषें पाने से इसलिए चूक गए हैं क्योंकि वे पार्थिक भौतिक आशीषों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित होने के लिए बुलाया है। वे भौतिक और अस्थाई वस्तुओं से तृप्त हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक और अनंत आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अनंत में हमें किसी बात का कोई अफसोस हो, लेकिन ज्यादातर मसीह बिल्कुल याकूब जैसे ही होते हैं। ऐसे विश्वासियों पर भी सूर्य वास्तव में अस्त हो चुका है। यहां जो सीढ़ी याकूब ने देखी थी, यीशु ने उसे स्वयं के एक चित्र के रूप में दर्शाया। यीशु पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी है। यूहन्ना 1:51। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उस सीढ़ी का पाया नीचे तक आया और उसने पृथ्वी को छुआ। वो हमारे सिरों के ऊपर हवा में झूलता नहीं रहा। यीशु सब बातों में हमारे समान बन गया कि वह हमारा महायाजक हो सके। इब्रानियों 2:17। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को छोड़ नहीं दिया। उसका याकूब को तोड़ने का पक्का इरादा था, क्योंकि उसके टूटने के बाद ही वो उसे आशीष दे सकता था। लेकिन परमेश्वर ने यह कैसे किया? ये इस तरह हुआ कि परमेश्वर ने याकूब का सामना एक उससे भी ज्यादा धूर्त व्यक्ति लाबान से होने दिया। याकूब, जिसने अपने भाई और पिता को धोखा दिया था, अब एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उसे धोखा दिया। एक बड़े ही दिलचस्प तरीके से लाबान ने याकूब को धोखा देकर उसका विवाह राहेल से न करते हुए लिया से कर दिया। उन दिनों विवाह से पहले एक बड़ा भोज होता था और लाबान ने, जो बड़ा धूर्त था, कहा, हम विवाह के भोज का आयोजन रात में करेंगे कि लोगों के चेहरे साफ नजर ना आ सके। भोज में उसने याकूब को मदिरा पिलाकर मदहोश कर दिया कि याकूब को उसके आसपास होने वाली बातों के विषय में कुछ जानकारी न रहे। तब लाबान ने याकूब के हाथ में एक बड़े घूंघट में छुपी लड़की का हाथ देते हुए उससे पूछा कि क्या वो उससे विवाह करने के लिए तैयार है। याकूब ने ये मानते हुए कि वो राहेल ही है, हाँ कह दिया और उसका विवाह हो गया। अंधेरी रात में वो उसके तंबू में उसके साथ लेटी और वो उसकी दुल्हन का मुंह न देख सका। अगली सुबह उठने पर उसने जाना कि वह तो लिया थी। आखिरकार याकूब को उससे भी बड़ा धोखेबाज मिल गया जिसने उसे धोखा दिया और उसने पत्नी पाने के लिए 7 साल तक काम किया था। उसने लाबान से कहा, मैंने राहेल से विवाह करना चाहा था। लाबान ने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन हमारी परंपरा है कि हम पहले बड़े लड़की का विवाह करते हैं। अगर तुझे राहेल चाहिए तो मेरे लिए 7 साल तक और काम कर। और याकूब को हाँ कहना ही पड़ा। परमेश्वर ने इस तरह
याकूब की मानवीय ताकत खत्म करनी शुरू की। यहाँ एक सुंदर पद है जिसने मेरे हृदय को तब बहुत आशीष दी थी जब मैं एक युवा विश्वासी था। 29:20 में हम पढ़ते हैं, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष तक सेवा की और राहेल के प्रेम के कारण ये वर्ष उसे थोड़े ही दिन जान पड़े। याकूब कोई मेज कुर्सी पर बैठकर काम नहीं करता था, वो खुले मैदानों में भेड़ बकरियों की देखभाल करने वाला कठोर परिश्रम करता था। उसे दिन में तेज धूप सहनी पड़ती थी और रात को ठंड में बाहर रहना पड़ता था। इसमें उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, लेकिन ये लिखा है कि फिर भी वे साल उसे कुछ दिन ही जान पड़े, क्योंकि राहेल के लिए याकूब का प्रेम इतना तीव्र और सशक्त था। और मैंने सोचा, अगर याकूब एक स्त्री के लिए इस तरह सेवा कर सका तो मुझे प्रभु की सेवा किस तरह करनी चाहिए, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपनी जान दी। आज 56 साल बाद मैं ये साक्षी दे सकता हूँ कि मेरे लिए ये साल कुछ दिनों जैसे ही रहे हैं। जब हम प्रभु की सेवा प्रेम से करते हैं और धन, आदर, आराम या नाम के खोजी नहीं होते, तो उस सेवा के आनंद की तुलना किसी और बात से नहीं हो सकती। क्या आपको प्रभु की सेवा का काम भारी लगता है? ये इसलिए है क्योंकि आप प्रभु को अपने पूरे हृदय से प्रेम नहीं करते। अध्याय 30। अंततः याकूब ने लाबान के साथ बेईमानी शुरू कर दी और गलत तरीकों से उसकी भेड़े चुराने लगा। और फिर जब उसके पास काफी पशुधन इकट्ठा हो गया तो उसने एक दिन चुपचाप चले जाने की योजना बनाई। अध्याय 31। फिर उसने सुना कि एसाव उससे मिलने आ रहा है। वह डर गया क्योंकि उसने सोचा कि वह जरूर उसे मार डालने के लिए ही आ रहा होगा। लेकिन अध्याय 32 में हम एक अद्भुत बात पाते हैं। हालांकि 20 साल बाद भी याकूब वही हड़पने और चालाकी करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसे मार्ग में परमेश्वर का दूत मिला। हम में से कोई ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के साथ अपना समय खराब नहीं करना चाहेगा। ये देखने के बाद कि एक व्यक्ति 20 साल से धोखा दे रहा है और जो आदेश उसे दिए गए उन्हें नहीं मान रहा है, तो पृथ्वी पर कौन उसे अपने कर्मचारी के रूप में बनाए रखेगा? ऐसे व्यक्ति को हर जगह से निकाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को नहीं निकाला। और यद्यपि हम बहुत सी बातों में निष्फल होते हैं, वह आपको और मुझे भी नहीं निकालता। वह फिर भी अपने दूतों द्वारा हमसे मिलता है। इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। स्वर्गदूत शब्द का अनुवाद संदेश वाहक भी हो सकता है। जब परमेश्वर आपके मार्ग में एक संदेश वाहक भेजता है तो ये आपके लिए उसके प्रेम का चिन्ह है। जब परमेश्वर आपको आपके हाल पर छोड़ देता है तो उसका एक चिन्ह ये होगा कि फिर वह अपने संदेश के साथ आपके पास किसी संदेशवाहक को नहीं भेजेगा। परमेश्वर अपना प्रेम हम पर प्रकट करने के लिए अपने संदेशवाहक हमारे पास भेजता है, खास तौर पर तब जब हम किसी खतरे
या बुराई का सामना करने वाले होते हैं। जब याकूब ने यह सुना कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, तो वह उससे बचने की युक्ति सोचने लगा। जिन पत्नियों को वह पसंद नहीं करता था, उसने उन्हें आगे कर दिया और राहेल और खुद को सबसे पीछे रखा कि अगर वे सब मर भी जाए, फिर भी राहेल और वो बचकर निकल जाए। याकूब अभी तक पहले जैसा ही स्वार्थी व्यक्ति था। हमारे लिए ये बड़ी उत्साहजनक बात है कि परमेश्वर ने एक ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को लेकर उसे इसराइल बना दिया। फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर याकूब से मिला और उससे कुश्ती की और उसके कूल्हे की नस दबाकर उसे लंगड़ा कर दिया। वो हमें जिस जगह पर देखना चाहता है, हमें वहां तक लाने के लिए वो कठोर काम करता है। उसने उसे तोड़ा और उससे कहा, अब से तू परमेश्वर का राजपुत्र इसराइल होगा। 32:28। परमेश्वर उसे इसराइल कब कह सका? उसके साथ 60-70 साल तक कुश्ती लड़ने और आखिर में उसके कूल्हे का जोड़ उखाड़ कर उसे पूरी तरह तोड़ डालने के बाद, तब परमेश्वर ने कहा, अब मुझे जाने दे। अंततः याकूब बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, मैं तुझे न जाने दूंगा। इस व्यक्ति ने, जिसने अपने पूरे जीवन भर पैसा दबोचा, पहलौठेपन का अधिकार दबोचा, स्त्रियां दबोची, भेड़े दबोची, अब सब छोड़कर परमेश्वर को दबोच रहा है। वो मानो ये कह रहा था, हे परमेश्वर, मैं अब तक धन, स्त्रियां, जायदाद और बहुत सी पार्थिव भौतिक बातों के लिए जीता रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं। परमेश्वर, हमारे जीवन में भी एक ऐसे दिन के आने का इंतजार कर रहा है। फिर उसने जो याकूब से कहा था, वही वह हमसे भी कहेगा। अब से तू पकड़ने या धोखा देने वाला याकूब नहीं कहलाएगा। अब तू परमेश्वर का राजपुत्र इसराइल कहलाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया है और तू प्रबल हुआ है। याकूब प्रबल होने वाला कब बन सका? जब उसके कूल्हे की हड्डी उसके जोड़ से उखड़ गई। हम पवित्र शास्त्र के आरंभ में ही इस महान सत्य को देखते हैं। हमें सामर्थ से भरने से पहले परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है। कोई महान, शक्तिशाली, विश्व स्तर का योद्धा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ व्यक्ति ही, जो याकूब की तरह अपनी लाठी का सहारा लेता है, परमेश्वर का राजपुत्र बन सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले कि परमेश्वर आपको वह बना सके जो वह आपको बनाना चाहता है, उसे आपको तोड़ना पड़ता है। फिर हम अध्याय 32:31 में यह सुंदर शब्द पढ़ते हैं, सूर्योदय हो गया। यह फिर से एक भौगोलिक वास्तविकता है, लेकिन याकूब के जीवन में सच्ची आत्मिकता का उदय होना भी है। 20 साल पहले उस पर सूर्य अस्त हुआ था, पर अब सूर्य उदय हो गया था। अध्याय 34, याकूब के
12 पुत्र थे, लेकिन उसकी एक पुत्री भी थी, दीना। और दीना ने जब एक दिन अकेले ही घूमने जाने का फैसला किया, तो उसने याकूब के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी। इस अध्याय में सभी लड़कियों के लिए एक चेतावनी है। सभी लड़कियों को ये जानने के लिए अध्याय 34 पढ़ना चाहिए कि दीना ने अपने पिता के लिए कितनी समस्या पैदा कर दी थी। उसने सोचा था कि वो अपनी देखभाल कर सकती है, लेकिन किसी पुरुष ने उसे देखकर पसंद कर लिया और उसे पकड़कर उसका बलात्कार कर दिया। उसके भाई उस पुरुष से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसके नगर में जाकर वहां के सारे पुरुषों की हत्या कर दी, और याकूब का नाम उस पूरे क्षेत्र सिर्फ इस वजह से बदनाम हो गया क्योंकि एक लड़की ने एक दिन अकेले घूमने जाने का फैसला किया था। जिस लड़की के सुनने के कान हो वह सुने। अध्याय 35। प्रभु ने अब याकूब से कहा कि वह वापस बेतेल पे जाए। एक तरह से देखा जाए तो यह याकूब की ही गलती थी कि वह इतनी सारी समस्याओं में घिर गया था। पनीएल में परमेश्वर से मिलने के बाद अगर वह सीधा बेतेल चला गया होता तो बीच में हुई अध्याय 34 की दुखद और हिंसक घटना कभी न होती। यूसुफ का जीवन। अब हम यूसुफ का जीवन देखते हैं। वह याकूब के 12 पुत्रों में से 11वां था। हम याकूब को यहां वही गलती करते हुए देखते हैं जो उसके पिता ने की थी। उसने भी यूसुफ का पक्ष लिया। अध्याय 37:3। इस्राएल अपने सब पुत्रों से ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अपने बच्चों को नाश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने एक बच्चे को तो एक विशेष उपहार दे लेकिन दूसरों को न दे, और इस तरह एक बच्चे का पक्ष ले। याकूब ने यह पहले ही देखा था कि उसके पिता के घर में पक्षपात ने क्या किया था, फिर भी उसने अपने घर में वही किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके दूसरे 10 लड़कों को यूसुफ से ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसे लगभग मार ही डाला था। पक्षपात के बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। जब माता पिता एक बच्चे के सामने दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है? दूसरे बच्चे उस प्रिय संतान के शत्रु बन जाते हैं, कई बार पूरे जीवन भर के लिए। इसमें किसकी गलती होती है? ये उन मूर्ख माता पिता की गलती होती है। पवित्र शास्त्र में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए चेतावनियां हैं। 37:18 में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूसुफ के बड़े भाइयों ने उसे मार डालने की योजना बनाई, और हम यहां परमेश्वर की उस प्रभु सत्ता को भी देखते हैं जिसमें उसने एक भाई द्वारा उस योजना को रोकते हुए उसे यूसुफ को वहां से गुजरते हुए कुछ व्यापारियों के हाथों में बेचे जाने के रूप में बदल दिया। उन व्यापारियों को उस समय वहां किसने भेजा था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उन इश्माइली व्यापारियों की यात्रा के समय को इस तरह तय किया कि जब यूसुफ के भाई उसे मारने ही वाले थे
वे वहां पहुंच गए और ये व्यापारी मिस्र जा रहे थे, वही जगह जहां परमेश्वर यूसुफ को भेजना चाहता था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की प्रभुसत्ता को बार बार काम करते देखना बहुत अद्भुत लगता है। आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना और उद्देश्य है और उसे कोई निष्फल नहीं कर सकता, न आपके ईर्ष्या करने वाले भाई, न आपका मूर्ख पिता, कोई नहीं। हम यहां यही देखते हैं, यूसुफ 17 वर्ष का होते होते परमेश्वर ने स्वप्नों में यूसुफ को यह दिखा दिया था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था। ये एक अद्भुत बात है कि एक किशोरवस्था वाला युवक परमेश्वर के प्रति इतना संवेदनशील था कि उसे दूसरे युवकों की तरह अश्लील सपने नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आने वाले सपने दिखाई देते थे। युवाओं, आप ये शिकायत कभी न करें कि आपके बड़े भाई आपको परमेश्वर की सेवा करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं एक युवक था तो कुछ बड़े भाई जिन्हें मेरे प्रचार के दान से बड़ी ईर्ष्या हो गई थी, मुझे उस मंडली में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं करने देते थे, तो मैंने सड़कों पर प्रचार करना शुरू कर दिया, जहां प्रचार करने के लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। कलीसियाई सभाओं में परमेश्वर ने मुझे किसी की आलोचना न करते हुए नम्र और दीन होकर चुप रहने के लिए कहा। वे साल वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे यूसुफ की तरह तोड़ा, लेकिन उन प्राचीनों में से कोई भी मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं बदल सका। जब समय हुआ तब परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोले और मेरे जीवन के लिए उसकी योजना पूरी हुई। इसलिए कभी लोगों के विषय में शिकायत न करें। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को सिर्फ एक ही व्यक्ति बिगाड़ सकता है और वह दूसरा कोई नहीं, स्वयं आप ही है। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर ने यूसुफ के भाइयों की ईर्ष्या का इस्तेमाल किया कि वे उसके द्वारा यूसुफ को मिस्र में बेचे जाने के लिए दे दे। बुराई की जो युक्तियां दूसरे लोग हमारे लिए बनाते हैं, परमेश्वर उन्हीं में से हमारे लिए भलाई पैदा कर देता है और उनके द्वारा हमारे जीवन के लिए अपने उद्देश्य पूरे करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें उस बुराई से बचा लेता है जो दूसरे हमारे साथ करना चाहते हैं, तो यही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर इससे भी बढ़कर कुछ करता है। वो उसी बुराई से हमारे जीवन के लिए उसकी योजना को पूरा करता है। क्या ये और भी अच्छी बात नहीं? जब परमेश्वर शैतान की चाल को उसी के सिर पर उलट देता है, जरा सोचिए, अगर यूसुफ के भाई उसे ईर्ष्या करने के बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो यूसुफ शायद कभी मिस्र नहीं जाता। यूसुफ मिस्र कैसे गया? पहला कदम, उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। दूसरा कदम, उन्होंने उसे कुछ व्यापारियों को बेच दिया। तीसरा कदम, व्यापारियों ने उसे ले जाकर मिस्र में बेच दिया। इस तरह यूसुफ को
मिस्र ले जाने की परमेश्वर की योजना पूरी हुई। इसलिए अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके साथ दूसरे लोगों द्वारा की जा रही कुछ बुराइयां ऐसी होगी जो अंततः आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को ही पूरा करेगी। रोमियो 8:28। आपको कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। एक गुलाम के रूप में यूसुफ को भी कष्ट उठाने पड़े थे, लेकिन उनके द्वारा उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पूरी हुई। परमेश्वर की महिमा हो। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति यही कहेगा, यूसुफ का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। अगर मैं पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो चाहे कितने भी लोग मुझसे ईर्ष्या करें और चाहे कितने भी लोग मेरे खिलाफ दुष्टता की युक्तियां गढ़े, लेकिन वे मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकेंगे। ऐसा हो कि आपका हमारे अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर में ऐसा विश्वास हो। अध्याय 38। यूसुफ की कहानी से हटकर एक दूसरा ही मोड़ ले लेता है। हम यहां यहूदा को उसकी बहू तामार के साथ व्यभिचार करते हुए पाते हैं, जिसके बाद तामार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। ये एक दिलचस्प बात है कि उन जुड़वा बच्चों में से एक पेरेस द्वारा यीशु की माता मरियम का जन्म हुआ। यीशु एक ऐसे कौटुंबिक व्यभिचार और वेश्यावृत्ति वाली वंशावली में से होता हुआ आया था। हमारे प्रभु ने अपने लिए जानबूझकर ऐसी वंशावली चुनी। मत्ती 1:1-3। उसने ऐसी पापमय वंशावली क्यों चुनी? हम में से कितने लोगों ने अपने लिए ऐसे कौटुंबिक व्यभिचार वाले परिवार को चुना होता? प्रभु ने स्वर्ग से सोच समझकर ये चुनाव किया था कि वह ये दिखा सके कि वह पापियों को, कौटुंबिक व्यभिचार वाले परिवार को भी उद्धार पाने के लिए तथा बुलाने के लिए आया था। अपनी वंशावली में यीशु ने सबसे बड़े पापियों के साथ अपने आप को जोड़ा और उनके साथ अपनी पहचान बनाई। अध्याय 39 एक युवक की अद्भुत कहानी है, जिसने एक आकर्षक और शक्तिशाली स्त्री के प्रलोभन में न पड़ते हुए परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखा था। अनैतिकता से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, यही कि उससे दूर भाग जाओ। देखिए 1 कुरिन्थियों 6:18। और यूसुफ ने यही किया। पोतीपर की पत्नी ने उस पर दबाव डाला कि वह उसके साथ व्यभिचार करे। 39:7। लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने उसके आसपास भी न रहना चाहा। 10। उसने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि वह प्रलोभन के उस स्रोत से ही दूर भागता रहा। जैसे ही वह दुष्ट स्त्री उसके पास आती थी, वह उससे दूर भाग जाता था। अगर आप उन लोगों के आसपास रहेंगे जो आपको प्रलोभित करते हैं, तो आप प्रलोभनों पर कभी भी प्रबल नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर ऐसे युवकों को ढूंढ रहा है जो प्रलोभनों से दूर भागते हैं। एक दिन जब वह उसके साथ घर में अकेली थी, तो उसने यूसुफ को पकड़ लिया। यूसुफ ने जब अपने आप को उससे छुड़ाया, तो उसका अंगरखा उस स्त्री के हाथ में रह गया। इससे वो स्त्री इतनी क्रोधित हो गई कि उसने यूसुफ पर बलात्कार का आरोप लगा दिया।
उसका पति गुस्से से भर गया और उसने यूसुफ को जेल में डलवा दिया। यूसुफ ने क्या कुछ सहा उसे देखिए। अपने भाइयों की ईर्ष्या, एक दुष्ट स्त्री द्वारा लगाया गया व्यभिचार का आरोप और कारागार। उन दिनों कारागार भूगर्भ में बनी भयानक काल कोठरियां होती थी, जिनमें चूहे और रेंगने वाले जीव जंतुओं की भरमार होती थी। लेकिन पद 21 में लिखा है कि इन सब रेंगने वाले जीव जंतुओं के अलावा भी कुछ था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और इस बात से सब कुछ बदल जाता है। अगर प्रभु आपके साथ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की मुश्किलों से घिरे हुए हैं। उसका हमारे साथ होना काफी होता है और यूसुफ सिर्फ यही चाहता था। कारागार में यूसुफ की मुलाकात फिरौन के साकी से हुई और इस तरह उसका फिरौन तक पहुंचने का रास्ता तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना किस तरह अपने समय पर पूरी होती है। परमेश्वर ने यूसुफ को सिर्फ पोती पर और उसकी पत्नी की दुष्टता से ही नहीं बचाया, उसने उनके द्वारा की गई दुष्टता को उसकी भलाई करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। यूसुफ अगर कारागार में न गया होता तो वह फिरौन के साकी से कैसे मिलता और उसका फिरौन से कैसे परिचय होता? अगर यूसुफ ने ये सब पहले से जान लिया होता तो वह कारागार में रहते हुए भी हर समय प्रभु की महिमा करता, जैसा कि बाद में पौलुस और सिलास ने की थी। वे फिलिपियों की जेल में प्रभु की स्तुति कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रभु की सर्वसत्ता को देख लिया था। अगर हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें तो हम भी ऐसे हरेक बुराई में प्रभु की स्तुति करेंगे जो दूसरे हमारे साथ करते हैं। एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम पर भी बहुत से झूठे आरोप लगाकर हमें कारागार में डाल दिया जाए। मुझे यकीन है कि मिस्र के लोगों ने उन सारी झूठी बातों को मान लिया होगा जो पूरे मिस्र में सबसे निष्ठावान व्यक्ति के विषय में कही जा रही थी। लेकिन यूसुफ इन बातों से विचलित नहीं हुआ था। आज भी प्रभु के सच्चे सेवकों के विषय में बहुत सी झूठी बातें फैलाई जा रही है, तब हम क्या करें? हम खामोश रहें। आपके नाम के बचाव की जिम्मेदारी परमेश्वर पर छोड़ दे, वह सही समय पर आपको सच्चा ठहराएगा। अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को कोई भी निष्फल नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें कि यूसुफ फिरौन के साकी के संपर्क में कैसे आया। कारागार में चिंता करने के लिए यूसुफ की अपनी बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन एक दिन जब उसने कारागार में आए दो नए कैदियों के उदास चेहरे देखे तो वो अपना दुख भूल गया। कारापाल यानी जेलर ने यूसुफ को सब बंदियों का निरीक्षक नियुक्त कर दिया था, इसलिए उसने इन दोनों बंदियों को उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा। 40:7 तब उसे ये मौका मिला कि वह उनके द्वारा देखे गए स्वप्नों का अर्थ बताए और फिर उनमें से एक साकी के द्वारा एक दिन फिरौन के स्वप्न का भी अर्थ बताए। परमेश्वर अपने ऐसे सेवकों के लिए अद्भुत तरीके से द्वार खोलता है जो विश्वास योग्य रहते हैं और जो अपने दुख को भूलकर दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। इस घटना से
हम ये सीखते हैं। इसलिए हम सिर्फ अपने ही दुख में दुखी न रहे, हम अपने हृदय संसार के दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए भी खोल कर रखें। बाइबल कहती है, उन्होंने यूसुफ के पैरों में बेड़ियां डाली, लेकिन उसके कारावास के समय काल में उसकी आत्मा को लोहे की सलाखों से बेधा गया। जब तक परमेश्वर का ठहराया हुआ समय नहीं आया, तब तक यूसुफ को परखा गया। तब परमेश्वर का वचन आया और उसने यूसुफ को मुक्त कर दिया। भजन संहिता 105, 18 और 19 मुक्त भावानुवाद। परमेश्वर हमेशा सही समय पर काम करता है, वो कभी विलंब नहीं करता। हमारी सारी परीक्षाओं के लिए एक निश्चित समय होता है। जब वह समय पूरा हो जाता है तो वह हमारी मुक्ति की घोषणा कर देता है। लेकिन अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो तब तक हमारी आत्मा में लोहे की सलाखें उतर चुकी होंगी और हम विश्वास में मजबूत हो गए होंगे। परमेश्वर शैतान की युक्ति को उसी के सिर पर उलट देता है और जिस बात में वो हमारा नुकसान करता है उसी बात से वो हमें मजबूत कर देता है। हालेलुया। बाकी की कहानी आप जानते हैं कि कैसे उसके भाई भूखे होकर देश में अकाल पड़ने की वजह से अन्न की खोज में आए और कैसे उन्हें बिल्कुल उसी तरह यूसुफ के सामने झुकना पड़ा जैसा परमेश्वर ने 20 साल पहले उसे दिखाया था। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। 43:1-2, देश में जब अकाल ने भयंकर रूप ले लिया तब याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र जाकर वहां से अन्न लाने के लिए कहा। जब भी कहीं अकाल पड़ता है तो आपको उनके पास अन्न लेने जाना पड़ेगा जिन्होंने अकाल से पहले बुद्धिमानी से काम लिया था। भरपूरी के समय में यूसुफ ने बुद्धिमानी से काम लिया था। उसने अनाज को गोदामों में भर लिया था। इसलिए जो भरपूरी के समय आलसी हुए थे उन्हें भी उसके पास आना पड़ा। बाइबल कहती है, हे आलसी, चींटी के पास जा और उससे सीख, वह ग्रीष्म काल में अपने लिए भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री इकट्ठी करती है। नीतिवचन 6:6-8। इस सत्य को आत्मिक रीति से लागू करें। ऐसे समय में जबकि आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और आत्मिक रीति से भरपूर होने का मौका मिला हुआ है तो अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। फिर बहुत समय बीत जाने पर जब जीवन के दबाव आपको घेर लेंगे और आपके पास परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय नहीं होगा तो आपको संभालने के लिए आपके पास बुद्धि का बड़ा भंडार होगा। परमेश्वर के वचन से जो आप अभी इकट्ठा करके रख लेंगे वह न सिर्फ आपको पूरी तरह से तृप्त करेगा बल्कि आपके पास दूसरों को देने के लिए भी होगा। अपने अविवाहित समय में जब मैं नौसेना में अधिकारी था मैंने बाइबल का गंभीरता से अध्ययन किया। मैं कभी किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया हूँ
मैंने यीशु के चरणों में बैठकर पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है। मेरी इस आदत ने मुझे बहुत से प्रलोभनों से बचाकर रखा। वह भरपूरी का समय था, क्योंकि अविवाहित होने की वजह से मेरे पास बहुत समय था। जब आपका विवाह हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं, तब आपके पास ज्यादा खाली समय नहीं बचेगा। इसलिए अगर आप ऐसे समय में आलसी होंगे जबकि आपके पास बहुत सा समय है, तो अकाल के समय में आपको पछताना पड़ेगा। इस पाठ को सीखिए और इसे अपने लिए लागू कीजिए। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ एक ईश्वरीय तरीके से व्यवहार किया। अध्याय 45:5 में वह कहता है, परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे यहां भेजा था। फिर 7 में वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा। और फिर उसने 8 में कहा, परमेश्वर ने मुझे भेजा था। उसने अपने भाइयों को बताया, मुझे इश्माएलियों के हाथों में बेचने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। मुझे जेल में भेजने वाली पोतीपर की पत्नी नहीं, परमेश्वर था। अगर हमारे सभी मार्गों में हम परमेश्वर को देख सके, उस बुराई में भी जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, तो हम वास्तव में धन्य हैं। क्या आपने इस महिमामय सत्य को देख लिया है? ऐसा कभी ना कहिए, ये व्यक्ति मेरा नुकसान कर रहा है। ये परमेश्वर है जो लोगों को आपके साथ ऐसा करने देता है। यूसुफ ने अपने उन्हीं भाइयों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिन्होंने उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया था। जिन भाइयों ने उसके लिए गड्ढा खोदा था, उसने उन्हें मिस्र की सबसे उत्तम भूमि गोशेन की भूमि दी थी। 46:34, परमेश्वर के मनुष्य का ऐसा मनोभाव होता है। हम ये भी देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता का बहुत आदर करता था। 46:29, हालांकि यूसुफ संसार का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, वह अपने पिता से मिलने के लिए बाहर गया और उसने उसका सम्मान किया। एक ईश्वरीय व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता का आदर करता है। उसके अंतिम दिनों में हम यूसुफ को परमेश्वर के एक नबी के रूप में देखते हैं। अध्याय 47:10 में हम फिरौन को, जो संसार का सबसे बड़ा शासक था, आशीष देता है और फिर अपने पुत्रों को आशीष देता है। यूसुफ ने अपने पुत्रों मनश्शे और एप्रेम को याकूब के पास लाया और उसे कहा, अपना दाया हाथ मनश्शे बड़े लड़के के सिर पर और बाया हाथ एप्रेम छोटे लड़के के सिर पर रख। लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने हाथ उलटकर छोटे को बड़े से ज्यादा आशीष दी। अब तक याकूब की आंखें भी अपने पिता इसहाक के समान कमजोर हो चुकी थी, लेकिन याकूब में आत्मिक दृष्टि थी जो उसके पिता के पास नहीं थी। वह जानता था कि किसे आशीष देनी है और किसे नहीं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि याकूब ने अपने जीवन में बहुत सी पीड़ा और परीक्षा देखी थी, जबकि उसका पिता काफी सुख शांति में रहा था। परीक्षाओं द्वारा ही परमेश्वर हमारी आत्मिक दृष्टि को तेज करता है। याकूब वो पहला व्यक्ति था जिसने मसीह के आने की नबुवत
यानी भविष्यवाणी की थी। उसने अपने पुत्र यहूदा से कहा था कि यहूदा का सिंह उसके वंश में से आएगा और राज करेगा। 49:9-10 50:20 में हम यूसुफ को वे शब्द बोलते हुए सुनते हैं जो पौलुस ने रोमियो 8 में बोले हैं, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया। ये पद पुरानी वाचा में रोमियो 8:28 है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वो सारी बातों द्वारा भलाई को ही उत्पन्न करता है। इस तरह हम आरंभ उत्पत्ति की इस अद्भुत पुस्तक के अंत में पहुंचते हैं। इस पुस्तक के अंतिम पद को देखिए, उत्पत्ति का आरंभ इस तरह हुआ था, आदि में परमेश्वर, लेकिन अंतिम शब्द मिस्र में एक ताबूत कफन है। ये मनुष्य के पाप का परिणाम है, लेकिन मिस्र के उस कफन में से परमेश्वर ने पाप में गिरे मनुष्य के लिए एक अद्भुत छुटकारा तैयार किया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें आपके लिए इस पीढ़ी में ईश्वरी लोग बनने के लिए मदद कीजिए। अपनी योजना और उद्देश्य को हमारे जीवन के लिए पूरा कीजिए। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।